नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अतुल्य आर्यस की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस कर रहे हैं, हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है और हम करने जा रहे हैं आज का टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर घातांक के नियम। तो घातांक के नियम हम पहले से अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। दोस्तों, हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वही घातांक के नियम है, बस एक बार रिपीट करना है और क्वेश्चन करने हैं। अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस ये आपको कुछ नियम पढ़ने हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, बस इन पर प्रैक्टिस करनी है। और इससे बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके किए हुए मैटर से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम अपने सबसे पहले नियम और उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे दोस्तों, जो मैंने आपके सामने लिख भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम है a की घात m डॉट। अब डॉट क्या है? प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के गुणा होते हैं, तो यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया है। a की पावर m, a की घात m डॉट a की घात n हमारे पास दिया गया है, यानी कि यहां पर आधार जो है वो सेम है, आधार समान है और घातें क्या है? अलग अलग है। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, ये चीज हमने पहले सुन रखी है दोस्तों, बस वही है ये नियम। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है a a, घातें हैं m n, तो ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n। तो इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा नियम है इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास घातें दो है, पहले है a की घात m और फिर है n। a की घात m दी गई है और इसी के साथ दी गई है इस पूरे की घात n। तो हमारे पास जब इस प्रकार से घातें दी गई होंगी दोस्तों, तो इस प्रकार की घातों का हमेशा गुणा हो जाता है और ये बन जाएगी a की घात m डॉट n। तो यहाँ पर घातों में गुणा हो जाएगा दोस्तों जब हमारे पास घात की घात होती है, यानी कि एक बार घात उसके बाद दोबारा उसी चीज़ की घात होती है, तो यहाँ बन जाएगा a की घात m डॉट n, उन दोनों घातों का गुणा हो गया है दोस्तों। ये था हमारा दूसरा नियम। अब इसके बाद हमारा तीसरा नियम क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी घात वो आधार अगर बटा में हो, अगर वो हमारे पास हर में होगा, तो हम क्या करेंगे, वो हमेशा हर वाला जो है उसको अगर हम उसी आधार को अंश या कि यानी कि पूरी एक संख्या के रूप में लिखना चाहें तो उसकी जो घात है वो माइनस में आ जाती है दोस्तों। तो अगर एक बटे ए की पावर एन है, एक बटे ए की घात एन है, तो उसको हम ए की घात माइनस एन लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर हमारे पास ए की घात माइनस एन है तो हम उसे एक बटे में ए की घात एन लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नियम आता है, नेक्स्ट रूल है, वो है इसी प्रकार का। यहाँ पर हमारे पास आधार सेम था और वो गुणा में थे तो उनकी घातें जुड़ गई थी। अब यहाँ पे जो चौथा नियम है इसमें आधार तो समान है लेकिन और घातें अलग अलग है। आधार समान था, घातें जुड़ गई थी जब गुणा में थे। आधार समान है लेकिन भाग में है तो घातें घट जाएंगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घात घट जाएगी। क्यों? यहाँ पे यूज हो रहा है ये वाला मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है a की घात n, वो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, वो ऊपर आएगा तो माइनस का n बन जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ये a की घात। इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, a की घात m डॉट a की घात, अब a की n है, इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो बन जाएगा a की घात माइनस एन, और यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल, तो ये बन जाएगा a की घात m प्लस माइनस एन, ये बन जाएगा a की घात m प्लस माइनस एन, ये बन जाएगा दोस्तों अगर ये वाला इसमें अप्लाई करेंगे तो, और यहाँ a की घात m प्लस माइनस माइनस ये, तो ये बन जाएगा a की घात m माइनस एन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको डायरेक्टली याद करना है, वो याद करना है a की घात m बटे में a की घात n होगा तो आ जाएगा a की घात m माइनस एन, और कैसे हुआ ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, a की घात m डॉट a b की घात m, a रेस्ट टू पावर m डॉट b रेस्ट टू पावर m, जब आधार अलग अलग है और घातें समान है। यहाँ पर हमारे पास दो आधार है a और b, लेकिन घातें जो हैं दोनों आधारों की सेम है m। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हुआ दोस्तों, इन आधारों को गुणा करके हम इनकी घात एक साथ लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका लेकर देता हूँ मैं आपको, तीन की घात दो एवं चार की घात दो, यहाँ पर मेरे पास दिया गया है, तो मैं इसको तीन डॉट चार की घात दो लिख सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे अगर इसको आगे सोल्व करें तो डॉट का मतलब आपको मैंने बताया था कि ये गुणा होते हैं दो प्रकार के, उसमें से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो तीन को चार से गुणा करेंगे तो बारह है और इसकी जो घात है वो दो है, तो ये आ जाएगा बारह की स्केयर, या 144 आप लिख सकते हो सोल्व करके। लेकिन आपका जो मेन मोटो था ये वाला नियम समझना, वो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट नियम है
वो नियम क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास घात इस प्रकार से होती है, हमारे पास जिस प्रकार से इस आधार ए की घात है 1/n, तो ये बन जाता है मूल, एनवा मूल बन गया दोस्तों। देखिए 1/n है तो यहाँ पर n और ये मूल बन चुका है। जैसे आपको मैंने बताया भी था या आपको मालूम भी है, ए की घात जब 1/2 होती है तो यहाँ बन जाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं इस प्रकार। अगर ए की घात 1/3 होगी तो यहाँ पर ये 1/3 मूल होगा, यहाँ 3 लग जाएगा, यही फॉर्मूला जो n है वो यहाँ आ जाएगा। ए की घात 1/4 तो ये बन जाएगा ए 4, और ए की घात अगर 1/5 है तो यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला नियम हम समझ चुके हैं दोस्तों। अब इसी को यूज़ करना है हमें नेक्स्ट नियम में, जैसे इसमें ये वाला यूज़ किया था। हमारे पास जो नेक्स्ट है ए की घात m/n है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, ये घातें हैं, अब इस इनको मैं m/n को, जो घात में m/n है मैंने उसे लिखा m.1/n। इसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों। तो ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और जब इस प्रकार से घातें गुणा हो गई, यानी कि घातें गुणा कब होती हैं, जब वो घात की घात होती है, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, जब एक ही घात मेरे पास आई थी, एक ही घात मेरे पास आई थी m/n, मैंने इसको लिखा एक ही घात m.1/n। अब ये घातों का गुणा हो गया, यानी कि घात की घात थी, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए की घात m और इसकी घात 1/n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1/n जब घात होती है तो इस प्रकार से n वा मूल बन जाता है दोस्तों। तो ये बन जाएगा ए की घात m, इसी की तो 1/n घात थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बस डायरेक्टली यही तो लिखा है दोस्तों। ये देखिए ए की घात m/n है, तो ये है ए की घात m का n वा मूल। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। और सबसे लास्ट जो है वो बेसिक सी जानकारी है आपको, इसके अंदर नहीं तो पूरे पेपर में आपको मैं डैम श्योर कहता हूँ कि ये वाली जो आपकी जानकारी है, ये नॉलेज है, ये वाला जो पॉइंट है हमेशा आपको काम आएगा मैथमेटिक्स के अंदर। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है दोस्तों, चाहे वो संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी संख्या हो, 500, 2, 4, सबकी घात 0 क्या होती है, इनका मान हमेशा 1 ही होता है। तो किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये थे कुछ घातांक के नियम मेरे दोस्तों। अब इसके साथ ही आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ इन नियमों पे आधारित। साथ साथ में मैंने एग्जांपल दिए भी हैं, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ होगा और उससे हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और आपको, आप कहेंगे तो साथ में होमवर्क भी दे दिया जाएगा, इसके वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो आपको पता है जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी 7 ± 2, और यहाँ बन जाएगा ±5 की घात ± ये बन जाएगा 5 की घात 5। वेरी गुड, तो ये इसमें रूल ये वाला भी यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास घात की घात आ गई, तो इस फॉर्मूले में आपको बताया था मैंने घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 8 की घात 3 × −7, यह हम लिख सकते हैं 8 की घात −21। तो दोस्तों ये वाला हमारे पास दूसरा रूल इसमें यूज़ हो गया। अब हमारे पास क्या है, आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है, और वो दोनों क्या है, भाग में है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो ये वाला रूल है अप्लाई होगा, ए की घात m और माइनस n, यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 17 की घात 23 और 8 = 31, माइनस का 31। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे पास आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो हम उसको, आधारों को एक साथ गुणा करके लिखेंगे और उनको एक ही घात के रूप में लिख देंगे, यानी कि 8 × 3 और इस पूरे की घात −3 लिख सकता हूँ। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 8 को 3 से गुणा करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा
24 और इसकी घात हो जाएगी -3। अब मैं जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेके आया हूँ, यहाँ हमें 64 की घात 1/2 करनी है। तो 64 की घात 1/2 और हमें पता है 64 किसकी घात होती है, किसकी किसके पहाड़े में आता है। अब हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 8 की घात 2 होती है तो उसका मान 64 होता है, यानी कि 8 की स्केयर 8 64 होता है। तो यहाँ मैं 8 की स्केयर और यहाँ 1/2 लिखूँगा। तो आपको पता है 1/2 और 2 आपस में कट जाएगा और इसकी वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 8। तो मुश्किल इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। आपको मैं क्वेश्चन दे भी दूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आया हुआ है। यहाँ 125 की घात 1/3 है और आपको ये पता है दोस्तों कि 5 की घात जब 3 करते हैं, 5 की क्यूब करते हैं तो उसका मान 125 आता है। 5 5 25 और 25 5 125। तो यहाँ 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3 है। आपको पता है जब घात की घात होती है तो हम इसको क्या कर देंगे, घातों का गुणा। ये वाला रूल हमारे पास यूज़ हो जाएगा दोस्तों, ये रहा ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए गुणा कर दिया तो 3 और 1/3 आपस में बन जाएगा 1, ये बच जाएगा 5। तो हमारे पास 125 की घात 1/3 की, तो आंसर आ गया 1/5। हमारे पास इन सब रूल्स पे आधारित ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपको कुछ होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन है वो ये आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे साइड में। तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सोल्व करने हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है या और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप सोल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो भी आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।